दोस्तों, ये मेरा ये मैसेज आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे किसी के साथ भी कोई फ्रॉड या स्कैम हो। और मेरा ये छोटा सा एसएमएस आपको हर वीडियो में लगा मिलेगा। और एसएमएस ये है कि मेरी तरफ से कभी भी किसी को कोई पर्सनली मैसेज नहीं चाहता, ना ही कोई जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए, जीमेल आईडी के लिए, या किसी ओटीपी के लिए, या कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई भी किसी आपको किसी भी यानी कि राशिद नाम से कोई मैसेज आए, या राशिद अहमद नाम से कोई प्रोफाइल बना के मैसेज करता है जिसमें वो जीमेल आईडी पता करने की कोशिश करे, या ओटीपी पता करने की कोशिश करता है, या आपसे कोई फंड की डिमांड करता है, तो समझ लीजिए कि वो कोई स्कैमर है, हैकर है, या कोई फ्रॉड करना चाहता है। तो आप किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपना फंड ट्रांसफर ना करें, अदरवाइज यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। ये मैसेज मेरा आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आप ताकि अवेयर रह सके, क्योंकि कोई भी नया सब्सक्राइबर आ रहा है उसको ये मैसेज मेरा रेगुलर मिल पाए। किसी को भी अपना फंड ट्रांसफर ना करे, चाहे वो राशिद अहमद बनके ही आपसे क्यों ना बात करे, किसी को अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर ना करे। ये मैसेज आपको रेगुलर मेरी हर वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है और बिंदास है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और मैं आज आपको पर्सनली एक चीज बोलने वाला हूँ कि भाई, जितने भी वीडियोस ये शेयर की जाती है, जितनी वीडियोस भी यूट्यूब पर डाली जाती है, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन डाली जाती है आपके लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आपको हर एक चीज का अपडेट पता चलता रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी वीडियोस ये डलती है, आप इनको रेगुलर पूरा देखें। तब तक देखिए, वीडियो आप देखेंगे नहीं तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको अपडेट नहीं मिलेगी। फिर आप क्या करते हो, मैसेज करके परेशान करते हो, कमेंट्स करके परेशान करते हो। भाई साहब, जब आप वीडियो को रेगुलर पूरा देखोगे तो हर एक चीज की आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, और जब नॉलेज मिलेगी तो आपकी मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, और मैंने बहुत सारों को रिप्लाई भी किया इस चीज के लिए, कमेंट्स भी बहुत सारों के आ रहे थे कि सर, ये क्या आईपी एड्रेस का जो ब्लॉकिंग की बात आ रही है, क्या ब्लॉक होगा, क्या आईपी एड्रेस को खत्म कर, क्या ऐसा एक्सचेंज को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज देखी थी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर एक विंडो ओपन रखी जाएगी, जिसके ऊपर रेगुलर एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो अब यहां पे एक चीज समझ, जब उन्होंने ये बात बोल दी थी, उन्होंने ये बात बोल दी है, तो क्या अभी जो ये अफवाह फैल रही है, क्या उन्होंने बोली? ये होता क्या, देखिए, पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। हो सकता है ऐसा हो, शायद हो भी सकता है, लेकिन जब तक हुआ नहीं तो सोच के परेशान क्यों होना, पहले तो ये समझिए। देखिए, मैं आप लोग जो मुझे पर्सनली जानते हो, उन लोगों को पता होगा कि मैं कभी भी जिंदगी में वो बात करना पसंद नहीं करता जो मुझे लाइफ में चाहिए नहीं। मैं फोकस उस चीज पे करता हूँ जो मुझे लाइफ में चाहिए, और मैं उसी चीज के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ता हूँ। मैं एनालाइज करते रहता हूँ मार्केट को, मैं अच्छी न्यूज को पढ़ता हूँ, अच्छी न्यूज को सर्च करता हूँ, मैं अच्छी खबरों को देखता हूँ, मैं बार बार पॉजिटिव न्यूज को देखता हूँ, मैं अपने कौन सा मार्केट, कौन सा क्वाइन पंप करने वाला है, कौन सा क्वाइन बढ़ने वाला है, मार्केट कब बढ़ेगी, मैं ये सारी चीजों पर फोकस करता हूँ। मैं कभी भी सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 लोगों ने मुझे न्यूज का वो लिंक भेजा होगा, मैंने ओपन करके तक नहीं देखा। हाँ, वीडियो जरूर देखी इसके ऊपर। क्यों नहीं देखा? अरे, मुझे चाहिए नहीं ये चीजें भाई लाइफ में, आपको भी नहीं चाहिए। पता नहीं आप लोग फोकस क्यों करते हो इन चीजों के ऊपर, ये चीज समझने की कोशिश करो। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि ब्लॉगिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। ये जो लिंक आप शेयर कर रहे हो, ये भाई साहब किसी ने ब्लॉगिंग तो की, किसी ने ब्लॉग तो लिखा है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी अर्निंग बढ़ा रहा है भाई। कोई भी चाहे, आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, उनकी अर्निंग सोर्स पैदा हो रही है। तो ये क्या होता, देखिए, कोई भी इंसान है, कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो अपने एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो बार बार देखिए, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये बात बोल दी है, तो अब ये जो अफवाह फैल रही है मीडिया के थ्रू फैल रही है। तो दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कोई करेगा तो कानून करेगी, ना कि मीडिया करेगी। अगर इसके ऊपर कोई रेगुलेशन रूल्स बनेंगे तो वो कानून बनाएगी, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगी, यानी कि ये जो भी कुछ होगा वो क्रिप्टो कानून बनाएगी, ना कि कोई मीडिया बनाएगी इस चीज को। तो समझने की कोशिश करें, कभी भी अफवाह में आके अपना नुकसान ना करें। हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर आईपी एड्रेस ब्लॉक हुआ तो क्या आप कुछ कर पाएंगे, या मैं कुछ कर पाऊंगा? अगर होगा तो ना तो आप कुछ पर कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा। नहीं होगा तो वैसे सोच के परेशान क्यों होना, क्योंकि जो होना होगा उसको ना तो आप रोक पाएंगे, ना मैं रोक पाऊंगा। लेकिन फ्यूचर की ये नेगेटिविटी को आज अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आज परेशान होकर आप बैठे हो, आज आप अपने आप को टेंशन में लेके बैठे हो। अरे भाई, पता नहीं अगले दिन, कल के दिन क्या हो, किसको पता, ना आपको पता ना मुझे पता कल के दिन क्या होना है।
तो क्रिप्टो करेंसी पर हो सकता है वो रेगुलेशन रूल्स आ जाए, हो सकता है ये लीगल हो जाए, सब कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये ब्लॉक जो ब्लॉक की बात कर रहा हूँ ये भी हो सकता है। लेकिन जब अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भाई साहब ये सारी बातें सोच के सुन के परेशान क्यों होना? अरे भाई फोकस करो जो चाहिए लाइफ में। ये सारी चीजें आपके पास तब आती है जब आप इनके बारे में, इनकी इन चीजों के बारे का डर अपने मन में बिठा के रखते हो कि यार कहीं बैन ना हो जाए, कहीं ब्लॉक ना हो जाए, और ऐसी न्यूज आपके पास आती रहती है। अरे सिंपल सा फंडा यार, आप खा रहे हो अमरूद तो सेब की टकार थोड़ी आएगी आपको, अमरूद की टकार आएगी। तो भाई साहब पॉजिटिव बातों को सुनो, मोटिवेशन वाली वीडियोस को देखो, पॉजिटिव वीडियोस को देखो। नेगेटिव वीडियो देख के मिलता क्या, मुझे समझा दो थोड़ा सा। नेगेटिव न्यूज को देख के मिलता क्या है, नेगेटिव मीडिया की न्यूज को देख के मिलता क्या है? पॉजिटिव न्यूज बहुत सारी है, उनको क्यों नहीं देखते? पॉजिटिव वीडियोस बहुत सारी, उनको क्यों नहीं देखते? पॉजिटिव इतनी वीडियोस पड़ी हुई है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, रेगुलर कम से कम हजारों वीडियोस में देखता हूं कि बेचारे यूट्यूबर्स इतनी मेहनत करके वीडियोस बना के डाल रहे, शेयर कर रहे, आप किस लिए? ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहे, आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे। अरे उनका क्या लालच है, इतना सके उनकी अर्निंग हो जाती है, लेकिन भाई साहब कितना स्ट्रगल करके वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग सीखे। अरे उन चीजों को सीखने के बजाय आप चले जाते हो नेगेटिविटी पे, लॉस किसी और का नहीं करते आप, अपना लॉस कर लेते हो, अपनी मेंटेलिटी को आप गड़बड़ कर देते हो, मेंटेलिटी में नेगेटिव मैसेज आप डाल देते हो। मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, मैं 10 एकड़ मूवी को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और मैं इसीलिए पॉजिटिव बातों पे फोकस करता हूँ, मैं उन चीजों पर फोकस करता हूँ जो मुझे लाइफ में चाहिए होती है, मैं उन चीजों के बारे में सुनना देखना सोचना ही पसंद नहीं करता जो मुझे लाइफ में नहीं चाहिए होती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथ कोई भी ऐसी न्यूज या मैसेज शेयर ना करें, मैं पहले ही बहुत सारे लोगों को बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आप लोगों को डर लगता है तो भाई साहब ट्रेडिंग से आउट हो जाओ ना यार, घबरा घबरा के क्यों जिंदगी जी रहो, समझने की कोशिश करो मेरी बात को, अदरवाइज मत लेना। अगर आपको डर लगता है या कुछ ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो भाई साहब एक काम करो ना, ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालो, आउट हो जाओ यार, डर ही खत्म हो गया सारी चीजों का, समझे? आउट हो जाओ, मतलब आउट इन द सेंस विथड्रॉ कर लो अपना, बाहर आ जाओ ऐसी की तैसी, मतलब आईपी एड्रेस ब्लॉक हो ना हो आपको क्या फर्क पड़ेगा, फिर आप तो विथड्रॉ करके बाहर हो गए। तो अगर डर लगता है तो डर का तो एक ही सोल्यूशन है कि अपना विथड्रॉ करो और बाहर हो जाओ भाई साहब ट्रेडिंग से। ये घबरा घबरा के मत जो, या तो इस साइड हो जाओ या इस साइड हो जाओ, या तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रिस्क लेते हुए अपने रिस्क पे ट्रेडिंग करो, या अगर आपको डर लगता है घबराने की आपको आदत है तो भाई साहब प्रॉफिट निकाल के विड्रॉ कर लो और साइड हो जाओ, कोई फायदा नहीं देखो घबरा घबरा के जीने का। मेरा तो ये मैसेज आप लोगों को पहुंचाने का एक ही मोटिव है। देखो मुझे नहीं पता कि मैं आपको लाइफ टाइम पॉजिटिव रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जब जब आप मेरी वीडियो देखोगे तब तब आपकी मेंटेलिटी सिर्फ एक ही मैसेज मिलेगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और एक ही चीज पर आपका फोकस होगा, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। एक ही चीज को आप सीखोगे, प्रॉफिट कैसे बनाए, प्रॉफिट कैसे बनाए, प्रॉफिट कैसे बनाए, अपने आपको पॉजिटिव कैसे रखना, आपको अपग्रेड कैसे करें, अपनी मेंटेलिटी को कैसे बदले, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे। मेरा रेगुलर आप लोगों को यही वीडियो मिलेगा, मेरी वीडियो हर वक्त आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ अपग्रेड करने के लिए होती है। मैं तभी कहता हूं वो चीज पे फोकस करो जो आपको लाइफ में चाहिए, वो चीज को सुनने की कोशिश करो जो आपकी आपके अंदर इंप्लीमेंट कर सकती है, वो चीज देखने की कोशिश करो जो आपके अंदर इंप्लीमेंट पैदा कर सकती है, वो चीजों को शेयर करो। जो चीज आपके शेयर करने से किसी सामने वाले इंसान के लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है, ना कि किसी का नुकसान हो सकता है। दोस्तों कल को कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो बैन भी हो सकती है, ये ब्लॉक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज प्रेजेंट में आप कॉन्फिडेंस होकर अपना काम करते रहो, फोकस बना के रखो, और जिनको डर लगता है मैंने ऑप्शन दे दिया वैसे विड्रॉ करके बाहर हो जाओ, कोई फायदा नहीं है देखो घबरा के जिंदगी जीने का, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रॉपर रिस्क से भरा है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिस्क से भरा है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं रिस्क लेकर या आप बार बार घबराकर आउट होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।